मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिट एंड रन कानून का विरोध में बस चालकों ने हड़ताल पर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यात्री हुए परेशान। वाहन दुर्घटना को लेकर सरकार के नए कानून व बुरहानपुर में वाहन चालकों ने विरोध किया है। सोमवार से 3 दिनों की हड़ताल शुरू हो गई है। नए कानून में दुर्घटना में मौत पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के विरोध में वाहन चालकों ने कलेक्टोरेट में नारेबाजी कर डिप्टी कलेक्टर भागीरथ वाकला को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बस, ट्रक, ऑटो, जीप और अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालक थे। चालकों ने बताया कि 5 से 6 हजार रुपये कमाने वाला कहाँ से हादसे पर 7 लाख रुपये देगा और जेल की सजा भुगतेगा। आगे भी हम हड़ताल जारी रखेंगे। किस मामले के वो लेके आप लोग हड़ताल पर हैं? गृह मंत्री जी द्वारा जो चालकों पर काला कानून लगाया जा रहा है उसके विरोध में। क्या है काला कानून? ये नया कानून जो लागू हो रहा है कि एक्सीडेंट होने पर चालक पर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना। अच्छा, अगर ये कानून पास होता है तो इस कंडीशन में तो कोई भी चालक गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो ये आपकी हड़ताल कब तक की है? ये सांकेतिक 3 दिन की हड़ताल है। इसके बाद में प्रदेश स्तर, अगर नहीं ये कानून में कोई संशोधन होता है तो प्रदेश स्तर पे मीटिंग करके आगे उग्र आंदोलन होगा। मैंने चीज करेंगे। अच्छा, अपने यहाँ पे कितने तरह के ड्राइवर, मतलब बस के या सभी वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर है? सभी लोगों का लगभग समर्थन है। ऑटो, मैजिक, एपे, सभी लोगों का समर्थन है। तो अभी यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है आपकी हड़ताल से? यहाँ से 200 बसों का आवागमन है और लगभग 10 से 12 हजार यात्री रोज आते जाते हैं। इसमें ज़्यादा तकलीफ तो स्कूल के बच्चों को हो रही है जो देहातों से आते हैं, और आम नागरिक भी जो है, शादी ब्याह का सीजन है, उन लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सुबह से। सरकार अगर अपनी तानाशाही चलाएगी तो हमारी हड़ताल इसी प्रकार चलेगी, और ये कानून अगर पास होता है तो हम लोग आने वाले समय में अपने लाइसेंस जमा करा देंगे आरटीओ में या तो तोड़ के फेंक देंगे। आपका नाम और क्या संगठन है आपका? मेरा नाम मिलिंद चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।